सबसे पहले बात देश में बढ़ते कोरोना मामलों की। कोरोना के मामले 67,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना के कुल केस 67,000 से दरअसल ज्यादा है। कोरोना से देश में अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 21,000 मरीज कोरोना के बाद स्वस्थ भी हुए हैं, ट्रीटमेंट से उन्हें फायदा मिला और स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो देश में कोरोना के 4,000 से ज्यादा केसेस बढ़े हैं और ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा बढ़े मामले हैं। इससे पहले 3,000 प्लस केसेस बढ़े थे, लेकिन 4,000 से ज्यादा केसेस का बढ़ना ये दिखाता है कि पिछले 24 घंटों में मामले रिकॉर्ड स्तर पर बढ़े हैं। लेकिन इस बीच आज निगाहें जिस बात पर हैं उसकी भी जानकारी आपको दे दें। लॉकडाउन में क्या छूट मिलेगी, कोरोना से निपटने की क्या तैयारियां होंगी, अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाना है, ये तमाम चुनौतियां हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहम बैठक करने वाले हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मुलाकात होगी और दो चरण में ये मुलाकात होगी, जो जिसमें से पहला चरण शाम के 3 बजे से 5 बजे तक का होगा। खास बात इस मुलाकात को लेकर जो मिल रही है वो ये कि इससे पहले जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई तो उसमें 10 से 11 मुख्यमंत्री ही बोले थे, लेकिन इस बार सभी मुख्यमंत्रियों को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोलने का मौका मिलेगा। आसार ये दिखाई देते हैं कि ऐसे राज्य जहां पर केसेस बहुत ज्यादा हैं, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग कर सकते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। लेकिन इंतजार रहेगा दोपहर 3 बजे का, जब ये बैठक शुरू होती है। पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें हुई हैं और पहले भी अनेक 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 सुझाव आए हैं राज्य सरकारों में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सरकारें भी शामिल हैं। उन लोगों की तरफ से कहा गया कि जो केंद्र के द्वारा सहायता दी जानी चाहिए वो सहायता नहीं आ रही है, तो पैसे उपलब्ध कराने चाहिए थे वो फंड्स नहीं आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बैठक एक तरफा ना हो के प्रधानमंत्री जी स्वयं भी जो इश्यूज रेज करें उसका जवाब दें और बाकी से सुन के और वास्तव में उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई करें। अब जो एक प्रोटोकॉल है इसका, इसमें जीने का, इस COVID-19 के साथ उस प्रोटोकॉल में जीना लोग सीख गया है लगभग इस 50-55 दिनों में, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर से यही बातें उस पर होगी। और पीएम साहब सारे सीएम को इस बात के लिए मनाएंगे कि अपने अपने यहाँ जिस ढंग से लगभग हम ये मानते हैं कि 40% काम शुरू हो चुका है, लेकिन कुल मिलाकर 90% काम शुरू हो इस बात की तैयारी होगी। COVID-19 को मात देने की गरज से लॉकडाउन 3 के खत्म होने में बस अब 1 हफ्ता रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, यानी तमाम राज्यों की स्थितियों की समीक्षा हो रही है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इस बार सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। पिछली मीटिंग्स में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात नहीं कही थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि पूरे देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा होगी। और इसके साथ ही सबको उम्मीद है कि 17 मई यानी लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म होने के साथ ही राहतों का पैकेज कुछ और बढ़ सकता है, यानी राहतें और बढ़ सकती हैं। लेकिन जिन राज्यों में कोविड के मरीजों की लगातार तादाद बढ़ रही है वहां की स्थिति क्या होगी, ये सचमुच देखने वाली बात होगी। चूंकि उसके अगले हफ्ते ईद है तो सभी लोगों को उम्मीद है कि शायद राहतें और बढ़ेंगी, पैकेज और बढ़ेंगे, यानी जो चक्का जाम था जहां जहां, रेल का पहिया तो धीरे धीरे हल्का हो रहा, आगे बढ़ रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति होगी, हवाई यातायात की क्या स्थिति होगी, हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि वो सरकार एक बार ओके करे तो वो 2 दिन के अंदर सारी फ्लाइट शुरू करने को तैयार है, तमाम एहतियातों के साथ। एहतियात अपनी जगह है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्रियों की बैठक में समीक्षा जो भी हो, लेकिन हमारी आपसे अपील यही है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आतंकी रियाज नायकू के ढेर होने के बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने आतंकी गाजी हैदर को अब नया कमांडर बनाया है। सुरक्षा बल पहले ही कह चुके हैं कि जो भी नया कमांडर बनेगा उसका हाल भी रियाज नायकू की तरह होगा। 26 साल का गाजी 3 साल पहले आतंकवादी बना। रियाज नायकू के भड़काने और बहकाने पर भी गाजी ने आतंक का यह रास्ता चुना। सेना के 15वीं कोर के पूर्व कमांडर और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख KGS ढिल्लन ने चेतावनी देते हुए ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, कितने गाजी आए कितने चले गए और इसका अंजाम भी वही होगा जो इससे पहले के इसके बॉस रियाज नायकू का हुआ।
हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त अशरफ वानी जुड़ गए हैं। अशरफ, रियाज नायकू के ढेर होने के बाद अब गाजी को कमान सौंपी गई है, क्या जानकारियां इसे लेकर और मिल रही हैं? मीनाक्षी, दरअसल जो गाजी का नाम, गाजी हैदर का नाम सामने लाया गया है हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से, कल बैठक हुई थी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में, जहां पर ये फैसला लिया गया कि गाजी हैदर अब जम्मू कश्मीर में रियाज नायकू की कमान संभाल लेंगे। दरअसल काफ़ी करीबी रहे हैं जो गाजी हैदर है रियाज नायकू के, और उसी इलाके के रहने वाले हैं जहाँ रियाज नायकू रहते हैं। पुलवामा ज़िले के पदगामपुरा के रहने वाले हैं, 2014 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुए थे। असल नाम इनका सैफुल्ला है और तब से 2014 से लगातार अलग अलग जो आतंकी कार्रवाइयां हैं उनमें शामिल रहे हैं सैफुल्ला यानी गाजी हैदर। और जब से अब नाम की नियुक्ति की गई है, सुरक्षा बलों ने उन्हें राडर पर लाया है और उन्होंने साफ किया है कि जो ऑपरेशंस पिछले कई दिनों से, खासतौर से पिछले 2 महीने से आतंकी संगठनों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में जारी है, उनमें कोई कमी नहीं लाएगी। गाजी हैदर के बारे में ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मिली है, 26 साल उनकी उम्र है, 6 साल से सक्रिय है, 2014 में थे, पुलवामा ज़िले के पदगामपुरा के रहने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में पिछले 6 साल के दौरान कई सारी आतंकी वारदातों में उनका नाम सामने आया है। सर्जिकल स्ट्राइक के डर से बौखला गया है पाकिस्तान। भारतीय सरहद के करीब उड़ रहे हैं पाकिस्तानी विमान। हर नापाक इरादे का जवाब देने को तैयार है हिंदुस्तान। हंदवाड़ा में पाकिस्तान के इशारे पर जो कुछ भी हुआ, उससे भारत ने अपने जाबाज अफसरों और जवानों को जरूर खोया, लेकिन बदला लेने के भारत के वादों और मजबूत इरादों ने पाकिस्तान को खौफजदा कर दिया है। उसे डर है कि भारतीय सेना हंदवाड़ा का बदला लेने के लिए उसके इलाके में बने आतंकी कैंपों पर हमला कर सकती है, बिल्कुल वैसे जैसे उसने उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर पीओके में स्थित आतंकी कैंपों का सफाया कर दिया था। बुधवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर इसकी आशंका जताई थी। मैं दुनिया को लगातार आगाह कर रहा हूं कि झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बहाने भारत पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। भारत की तरफ से सबसे ताजा आरोप नियंत्रण रेखा से घुसपैठ का है, जो निराधार है, लेकिन ये उसी खतरनाक एजेंडा का हिस्सा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अचानक लड़ाकू विमानों की गतिविधियां बढ़ा दी है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट ही है कि उसकी सीमा में सरहद के पास F-16, JF-17 और Mirage-3 उड़ान भर रहे हैं। जानकार भी मानते हैं कि भारतीय सरहद के करीब पाकिस्तान की इस तरह की गतिविधियां सामान्य नहीं है। पाकिस्तान को पता है कि भारत चुप नहीं बैठेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा, तो इस तरह की गतिविधियां करना, उड़ान भरना स्वाभाविक है, क्योंकि उसे आशंका है कि किसी भी वक्त भारतीय वायुसेना अपनी कार्रवाई कर सकती है। और हमारे लिए भी ये स्वाभाविक है कि जब भी उनकी लड़ाकू गतिविधियां बढ़ती हैं सीमा पर, तो हमारे AWACS एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर करते हैं, उन पे नजर रखते हैं। वैसे भारत फिलहाल पूरी तरह चौकन्ना है, उसकी नजर पाकिस्तान की हर एक गतिविधि पर है। भारतीय वायुसेना के एयरबेस भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखे गए हैं। पाकिस्तानी विमानों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए भारत एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को कई मोर्चे पर घेरने की योजना पर तेजी से काम शुरू किया है। धारा 370 हटाने के बाद से पीओके को लेकर सरकार कई बार साफ साफ शब्दों में संदेश दे चुकी है कि पीओके भारत का ही था और रहेगा। जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूँ तो पीओके इसके अंदर ही आता है। पहली बार मौसम विभाग ने पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के इलाकों को शामिल किया, जिसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है।
इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने के आदेश का कड़ा विरोध भी किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत का हिस्सा है, लिहाजा पाकिस्तान इसे फौरन खाली कर दे, उसका यहाँ कब्जा गैर कानूनी है। पीओके में आतंकी कैंप पाल रहा पाकिस्तान, आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान। हंदवाड़ा में भारतीय सेना के साथ आतंकियों की मुठभेड़ से पहले भी पाकिस्तान के विमानों की उड़ान भरने की बात सामने आई थी। वैसे भी जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। हाल के दिनों में पीओके में कई आतंकी कैंप सक्रिय रहे हैं, जो भारत को अशांत करने की साजिश में जुटे हैं। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में हर साजिश बेनकाब हुई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक अभी भी पीओके के केल और ताजियान में लश्कर आतंकियों का दो ग्रुप घुसपैठ की फिराक में है। पीओके के लीपा में 6 लश्कर आतंकी, पीओके के जावरी में अलबदर के 4 आतंकी, पीओके के बत्तल में 5 अलबदर आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। बिम्बर गली सेक्टर के दूसरी ओर भी लश्कर ए तैयबा के आतंकी फिराक में है कि भारतीय सीमा में घुसकर सुरक्षा बलों पर आईडी ब्लास्ट करें। इस वक्त जिस तरह का जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में जो माहौल है, वहाँ पे काफ़ी हद तक अमन शांति आई है। ये जो है पाकिस्तान को जूझ नहीं रहा है, वो नहीं चाहते कि वहाँ पे अमन शांति आए, क्योंकि उनको अपने कश्मीर का जो मुद्दा है उसको आगे लेकर जाना है। तो इसलिए पाकिस्तान की ओर से इसमें कोई कटौती नहीं होगी, उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि कश्मीर में दहशत फैलाया जाए, कश्मीर को इस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे दर्शाया जाए कि वहाँ पे माहौल बिगड़ा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर अट्रोसिटीज़ कमिट कर रहे हैं। ये तो उनका मकसद है, और इसलिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया के जरिए उनकी कार्रवाई जारी रहेगी, और इसके लिए वो ज़रूरी है कि वहाँ पे वायलेंस बरकरार रहे। अगर वहाँ वायलेंस ख़त्म हो गया तो फिर वो किस तरह से अपने फॉल्स प्रोपेगेंडा को आगे प्रोजेक्ट करेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से परेशानी में होने के बावजूद पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर लगातार फायरिंग कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सीमा पार पाकिस्तानी वायुसेना की बढ़ती गतिविधियों से पाकिस्तान की बौखलाहट को साफ तौर पर समझा जा सकता है। सीमा पार पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के नजदीक लगातार उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकियों की मदद से कश्मीर मुद्दे को भी चर्चा में बनाए रखना चाहता है, लेकिन हर बार की तरह इन दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। कैमरामैन अजय के साथ मंजित नेगी, दिल्ली आज तक। पुलवामा में रियाज नायकू के मौत के घाट उतरने के बाद दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक सलाहुद्दीन के आतंकी संगठन की कमर टूट गई है। पाकिस्तान से आए एक ताजा वीडियो में सलाहुद्दीन ने न सिर्फ ये माना कि हंदवाड़ा हमला उसकी करतूत था, बल्कि भारतीय सेना के पलटवार के बाद वो ये कहने को भी मजबूर हो गया कि भारत का पलड़ा अब भारी है। भारतीय सेना के पराक्रम से कांप उठा है आतंकिस्तान, आतंकियों की मौत का मातम बना रहा है पाकिस्तान। हिजबुल आतंकी नायकों की मौत से डर गया है सलाहुद्दीन, हंदवाड़ा हमले की जिम्मेदारी भी ले रहा है सलाहुद्दीन, अब भारत का पलड़ा भारी बता रहा है सलाहुद्दीन। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की ये तस्वीरें कुछ ही दिन पुरानी है, जब कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नायकों की कब्र उसी के गांव में बना दी गई थी। A++ कैटेगरी के इस आतंकी का खात्मा सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन को इससे खासा सदमा लगा है। नायकों की मौत के बाद पाकिस्तान में बाकायदा एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें उसके आका और दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक सलाहुद्दीन ने अपने पसंदीदा आतंकी के खोने का रोना रोया। रियाज अहमद नायकू अल मारूफ मोहम्मद बिन कासिम एक खून रेज मारके में जाम शहादत नोश कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। मरहूम ने 217 में ये मनसब संभाला था, तब से लेकर आज तक दुश्मन के लिए ऐसा शिकन साबित हो रहा था।
बाई सबब एक अच्छी खासी रकम बतौर इनाम उसके सर पर मुकरर की गई थी। इस वीडियो में सलाउद्दीन भारत में होने वाली आतंकी वारदातों में हाथ होने की बात कहता दिख रहा है। लगे हाथों उसने हंदवाड़ा हमले की जिम्मेदारी तक ले ली, लेकिन सच तो ये है कि जनवरी से अब तक मारे गए 80 आतंकियों ने उसकी आतंकी योजनाओं को तहस नहस कर दिया है और अब नायकू की मौत के बाद तो उसका डर और बढ़ गया है। ये भारतीय सेना की चौकसी और पलटवार का ही नतीजा है कि सलाहुद्दीन अब भारत का पलड़ा भारी बताने को मजबूर हो गया है। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवाड़ा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। हमारी कमजोर पॉलिसियों की वजह से, हमारी मुआजरत खाना अप्रोच की वजह से आलमी हालात के। आज सुबह के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे ट्रेन की, ट्रेन के चलने की, लेकिन कई और बड़ी खबरें हैं जो दिनभर आज सुर्खियों में रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी की आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर 3 बजे से अहम बैठक होगी और कई मुद्दों पर मंथन होगा। तो कोरोना के मामले भी देश में 67,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र गुजरात पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। आज की अहम बैठक पर भी हमारी नजर रहेगी, जहां लॉकडाउन से लेकर आर्थिक पैकेज और तमाम मुद्दों पर मंथन होगा। कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच केंद्र सरकार ने लेकिन एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने देश के 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये सभी ट्रेन दिल्ली से 12 मई यानी कल से चलनी शुरू होंगी। आम लोगों के लिए जरूर ये राहत की बात है। ट्रेन की बुकिंग आज शाम 4 बजे से हो पाएगी। तीन सौ पचास से ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस के पटरी पर उतरने के बाद अब राहत की दूसरी किश्त पर मुहर लग गई है। श्रमिक ही नहीं, अब ट्रेन के जरिए शर्तों के साथ कोई भी यात्रा कर सकता है। नई दिल्ली स्टेशन से देश के अलग अलग 15 शहरों में स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार शाम को ट्वीट कर जानकारी साझा की। रेल मंत्री के मुताबिक रेलवे ने 12 मई से ट्रेन को प्रारंभिक तौर पर शुरू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में नई दिल्ली से देश के बड़े शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए 11 मई को शाम 4 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू की जा सकेगी, यानी आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग होगी, लेकिन टिकट सिर्फ IRCTC के तहत ऑनलाइन ही बुक कराए जा सकेंगे। रेल मंत्री के मुताबिक दिल्ली से 15 शहरों के बीच जोड़ी में ट्रेन चलेंगी। अब आपको ये भी बता दें कि वो कौन कौन से शहर हैं जहां 12 मई से ट्रेनें चलाई जाएंगी। फैसले के मुताबिक ये ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए चलाई जाएंगी। 12 मई को सभी स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से खुलेंगी और फिर वापस भी आएंगी। हालांकि रेल प्रशासन ने यात्रा के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसके मुताबिक वापसी की प्रक्रिया शुरू होने के पहले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे सिर्फ उन्हें ही यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। जो लॉकडाउन थोड़े थोड़े रिलैक्सेशन करने के लिए सरकार ने मन बनाया है, लेकिन मेरा ये कहना का है कि इससे पहले भी और जहाँ से जहाँ तक ट्रेन जाएगा वहाँ सारे सोशल डिस्टेंसिंग का जो फैक्टर्स है, जो कंडीशंस है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किसे लागू किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर भी रेलवे को और सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना ही पड़ेगा। लॉकडाउन 3 के खत्म होने के 7 दिन पहले ये फैसला इशारा है कि सरकार ने अब बड़ी छूट देने का मन बना लिया है। 40 दिन से ज्यादा वक्त से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी अब मुमकिन हो सकेगी। हालांकि अलग अलग शहरों में पहुंचने के बाद उन्हें फिर मेडिकल जांच और स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। यात्री 14 दिन क्वारंटीन भी किए जाएंगे। पौलोमी साह और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार के विशेष ट्रेन चलाने के फैसले के बाद हमारे संवाददाता उन शहरों के स्टेशन तक पहुंचे जहां पर गाड़ियों को जाना है। टीम ने जाना कि तैयारियां आखिर किस तरह की हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले 45 दिनों से जारी सन्नाटा टूटने वाला है, यानी जल्दी ही यहां पर चहल पहल थोड़ी बहुत ही सही लेकिन शुरू होने वाली है।
रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि 15 रेलें 12 मई से देश के 15 शहरों तक जाएंगी और वहां से आएंगी भी, लेकिन उसके लिए नियम तय कर दिए गए हैं। ये सारी ट्रेनें एसी होंगी और एयर कंडीशन ट्रेनें यहां से यात्रियों को लेकर जाएंगे, लेकिन यात्रियों को लेकर जाने के लिए तमाम तरह के नियम बनाए गए हैं। फिलहाल रेलवे स्टेशन पर दूर दूर तक बैरिकेडिंग की गई है, किसी आदमी को अंदर जाने आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ रेलवे के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी जा रहे हैं। रेल मंत्रालय की तरफ से की गई घोषणा के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेन डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगी। सारी एसी ट्रेनें होंगी। लोग सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं, काउंटर बंद रहेंगे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजदूरों को जिस समय भेजा गया था उस समय गोले बना दिए गए थे और उन्हीं का इंतजाम, उन्हीं का पालन अभी भी लोगों को करना पड़ेगा। इनके बीच रेलवे ने कल से नई दिल्ली से 15 शहरों के लिए विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने का ऐलान किया है और इन ट्रेनों के लिए आज शाम 4 बजे से ऑनलाइन टिकट जो है वो यात्री खरीद पाएंगे। और इस वक्त हम राजधानी पटना में मौजूद हैं, यहाँ के लिए भी जो है ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है और तस्वीरें आपको हम पटना की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 50 दिनों से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है लॉकडाउन का और इस दौरान पटना रेलवे स्टेशन में किस तरीके की आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता है, केवल सिक्योरिटी के जो है लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसी तरीके का सन्नाटा काफ़ी दिनों से है, लेकिन अब जो ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है कल से, पहली ट्रेन जो है वो परसों आएगी, यानी कल दिल्ली से रवाना होगी तो परसों वो पटना पहुंचेगी और परसों ही वापस दिल्ली के लिए शाम में जो है वो ट्रेन जो है वो निकलेगी। और जो जानकारी मिल रही है कि उन्हीं लोगों को इस स्टेशन में एंट्री दी जाएगी जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। कहते हैं ट्रेन के पहिए कभी थमते नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में ये पहिए भी थम गए थे और एक बार फिर ये पहिए अब शुरू हो रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और उसके बाद अब कुछ ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सर्कल्स बनाए गए, जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट से अंदर आते हुए सोशल डिस्टेंस को जो पैसेंजर है उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे उसके लिए इस तरीके से सर्कल बनाए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे डिसइंफेक्शन की जो दवाई है उसे भी छिड़का जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से क्योंकि लोग यहाँ पे आएंगे तो सैनिटाइजेशन होना बेहद जरूरी है, वैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेन है ट्रेन की खिड़कियों पर भी कुछ इस तरीके से दवाई छिड़की जा रही है, क्योंकि आम तौर पर जो पैसेंजर ट्रेन में बैठते हैं वो ट्रेन की खिड़की को कहीं ना कहीं छूते हैं, तो वैसे में उस पर भी पूरी तरीके से यहाँ पे दवाई छिड़की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा इंस्पेक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। 12 मई से पहली ट्रेन न्यू दिल्ली से शुरू होगी और हावड़ा के साथ साथ डिब्रूगढ़ और अगरतला जो पूर्वोत्तर भारत में है उनको भी कनेक्ट करेगी। ये पहला मौका है जब पैसेंजर ट्रेन शुरू होगी और यात्रियों को लेकर टिकट के साथ सफर करेगी। अभी तक कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि सिर्फ वही लोग सफर कर सकते हैं जिनके पास कंफर्म टिकट हो, लेकिन उनकी बुकिंग किसी भी तरह से ऑन काउंटर नहीं हो सकती है। ऐसे में हावड़ा और बाकी सारे इलाकों में भी काउंटर्स नहीं खुलेंगे। खाने की सुविधा क्या होगी इस पर अभी विचार किया जा रहा है। खाना कैसे यात्रियों को उपलब्ध कराया जाएगा इतने लंबे सफर में जो 24 घंटे से ज्यादा का होगा, खास तौर से इन इलाकों के लिए। लेकिन वहीं ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि जो भी यात्री ट्रेन में चढ़ेगा उसे पहले स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, बॉडी टेम्परेचर टेस्टिंग या बाकी सारे टेस्ट जो बेसिक होते हैं वो भी करवाए जाएंगे। एक तरफ 12 मई से पैसेंजर ट्रेन को चलाने का फैसला लिया गया है तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले 62,000 को पार कर चुके हैं और ऐसे में इन ट्रेन में संक्रमण मुक्त यात्रा के लिए कुछ खास नियम भी तय किए गए हैं। लॉकडाउन के बाद सबसे पहले चली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में कोरोना संक्रमण को लेकर जैसे एहतियात बरते जा रहे हैं वो भविष्य में होने वाली रेल यात्राओं में भी जारी रहेंगे। स्टेशन पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म पर एंट्री से पहले स्क्रीनिंग, प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे को ढककर रखने का नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है। 12 मई से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को लेकर इन तमाम हिदायतों के अलावा कुछ बातें यात्री नोट कर लें। इन ट्रेनों के टिकट रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे, IRCTC से ऑनलाइन कंफर्म टिकट लेकर आने वाले ही सफर कर सकेंगे। वेटिंग लिस्ट की कोई टिकट नहीं काटी जाएगी।
स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट या किसी भी टिकट के लिए कोई खिड़की नहीं खुलेगी। रेलवे और IRCTC दोनों ही एजेंट के जरिए बुकिंग नहीं लेंगे। तत्काल और प्रीमियम तत्काल सीट का प्रावधान नहीं होगा। कोई करंट बुकिंग नहीं होगी। कुछ ट्रेनें रोजाना नहीं चलेंगी और ट्रेनों का शेड्यूल आज जारी किया जाएगा। हालांकि इसके साथ रेलवे ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि जो पैसेंजर होगा उसके साथ उसके किसी भी साथी को अंदर आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी जिनके पास बकायदा टिकट है और टिकट ऑनलाइन जो है वो बुक किया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी काउंटर से टिकट जो है वो फिलहाल बुकिंग नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन टिकट का प्रावधान इस वजह से किया गया है ताकि स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा ना हो। इससे पहले ट्रेनों को लेकर फैली अफवाह के बाद भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। इस बार ऑनलाइन टिकट वाले ही प्लेटफॉर्म तक जा सकेंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले सभी यात्रियों को जांच से गुजरना होगा। केवल उन्हीं यात्रियों को सफर की इजाजत दी जाएगी जिनमें सर्दी खांसी बुखार जैसा कोई लक्षण नहीं होगा। यात्रियों को अपना चेहरा ढक कर रखना होगा। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उम्मीद है लोग इन तमाम एहतियातों का पालन करेंगे तो रेलवे में उनका सफर सुरक्षित होगा। वहीं लॉकडाउन में फंसे लोग अपनी अपनी मंजिल तक महामारी से बचाव करते हुए यात्रा कर सकेंगे। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के बाद शहरों में कारखाने बंद हुए तो लाखों मजदूरों के पास घर वापसी का संकट खड़ा हो गया। भूखे प्यासे मजदूर जब पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकलने लगे तो रेलवे ने 350 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। अब तक रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लाखों श्रमिकों को उनके मुकाम तक पहुंचा चुका है। ये सुनिश्चित करें कि आपको बुखार या कोरोना वायरस बनाकर रखें तथा लॉकडाउन में 25 मार्च को जाम हुआ रेलवे का चक्का भले ही 12 मई से फिर चालू होने वाला है लेकिन इसकी शुरुआत श्रमिक एक्सप्रेस से पहले ही हो चुकी है। कल कारखाने बंद होने के बाद शहरों में फंसे लाखों मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए 7 मई को पहली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई थी। ये ट्रेन दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए चली तो दूसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन दिल्ली से बिहार के लिए 8 मई को रवाना हुई। रेलवे ने कुल 350 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई हैं। इससे लाखों श्रमिकों को घर वापसी का मौका मिला है। जो अभी सुविधा दिया बढ़िया दिया, ठीक दिया। हम लोग बहुत परेशान हाल में थे, हर चीज का। हाँ, बहुत खुश है। अभी घर जाते बहुत अच्छी खुशी है। जैसे वहाँ से YFC कंपनी से चल रहे हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। कोई पैसे वैसे नहीं लगा, बाकी खाने पीने का भी सामान दिया। बहुत धन्यवाद, घर जाने के लिए मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया करे ऊपर वाला ने, सब लोगों को भाड़ा रखे। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों में उन्हीं मजदूरों को सफर का मौका मिला जिनके गृह राज्यों ने उन्हें बुलाने की सहमति दी। इन स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों के लिए मुफ्त भोजन और पानी का इंतजाम रेलवे ने किया। ट्रेन में बैठने से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। हर ट्रेन से 1200 श्रमिकों को रवाना किया गया। काम धंधा खत्म होने के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अपने घर पहुंचे श्रमिकों ने राहत की सांस ली। बढ़िया किया जी। क्या कोई समस्या आ रही थी जिस कारण से जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या समस्या? अरे राशन पानी नहीं मिला सर, रोटी पानी बड़ी दिक्कत थी। हाँ जी, सुविधा तो बढ़िया मिला, वैसे कोई दिक्कत नहीं था ट्रेन में। लेना किराया भी लगा था? नहीं नहीं, किराया नहीं लगा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों के अलावा श्रद्धालुओं, पर्यटकों और छात्रों को भी अपने घर जाने की छूट दी गई। श्रमिकों से किराया भी नहीं लिया गया लेकिन मुंबई और सूरत से आए कई श्रमिकों ने किराया वसूलने की शिकायत की। टिकट वगैरह तो इधर जल्दी मिल ही नहीं रहा है, जो पैसा दे रहा है उसका काम हो रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा उसका मिल ही नहीं रहा। हम लोग 1 तारीख से ही फॉर्म भर रहे हैं लेकिन नाम ही नहीं आया, पैसा दिए तो नाम आया। कितना दिए? 715 रुपये। टिकट का दाम कितना लिखा था? 630 रुपये। 100 रुपये बढ़ा कर लिए? हाँ। कोई सुविधा नहीं, ना खाने की सुविधा, ना पानी की सुविधा, कुछ नहीं सुविधा नहीं। टिकट लिया? हाँ, टिकट 550 का लिया जा रहा है वहीं पे। टिकट लिया गया क्या? हाँ। कितना? 550। अब तक रेलवे ने सबसे ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए 113, बिहार के लिए 82, मध्य प्रदेश के लिए 21, उड़ीसा के लिए 20 और झारखंड के लिए 14 ट्रेनें चलाई हैं। अभी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें सैकड़ों प्रवासी मजदूरों के लिए लाइफलाइन बनी हुई हैं और उन्हें संकट की इस घड़ी में अपने घर वापसी का मौका दे रही हैं।
दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यो। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन का आज पांचवा दिन है। एयर इंडिया के विमान लगातार विदेशों से भारतीयों को वापस ला रहे हैं। मलेशिया से दो बच्चों समेत 177 भारतीयों को वापस लाया गया, तो वहीं मनीला से 241 भारतीयों को रेस्क्यू कर मुंबई लाया गया। अमेरिका से निकला विमान आज विजयवाड़ा पहुंचेगा और वहीं इस मिशन में ऑपरेशन समंदर सेतु भी जारी है। मालदीव में फंसे 202 भारतीयों को लेकर माले से कोच्चि INS मगर रवाना हो गया है। जब पूरी दुनिया को कोरोना की महामुसीबत से बचने का कोई ठोस रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो उसी दौर में हिंदुस्तान कोरोना को खत्म करने के लिए दवाइयों पर गहन रिसर्च कर रहा है। कुछ पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। देश के वैज्ञानिकों की मेहनत से उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। देश में मिलने वाला है कोरोना का इलाज। अब कोरोना की लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है ब्रह्मास्त्र। हिंदुस्तान की प्रयोगशाला में बनने वाली है कोरोना मारक दवा, जो इस महामारी को जड़ से मिटा सकती है। देश में इसकी पहल की है ICMR ने। जी हाँ, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो ऐसी घातक बीमारियों से लड़ाई के लिए खोज करती है, दवाएं बनाती है और उनका विनाश करती है। ICMR ने इस मुहिम में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड से हाथ मिलाया है। दोनों संस्थाएं मिलकर वायरस का कब्र खोदेंगी। जिन सवालों का जवाब पूरी दुनिया तलाशने में जुटी है, उसे खोजने में ICMR काफी शिद्दत से जुटा है। इस भरोसे की वजह है ICMR की अब तक की पहल। अभी कुछ दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने कोरोना के दो रूपों की पुष्टि की थी, जिन्हें एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन नाम दिया गया है। कोरोना ने दुनिया के सभी देश में रूप बदल बदल कर कहर बरपाया है। उन्हीं में से दो रूप हैं, एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, जो भारत में पाए गए हैं। ICMR और BBIL के रिसर्च के सेंटर में कोरोना के यही दो रूप हैं। इन संस्थाओं ने एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन से लड़ाई की पूरी तैयारी कर ली है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना के इन दोनों रूपों को आइसोलेट कर लिया गया था। अब ICMR ने इन्हें भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को भेज दिया है। अब बाकी रिसर्च का काम BBIL में ही होगा। वैक्सीन के रिसर्च में ICMR भी हर मुमकिन मदद करेगा। वैसे तो वैक्सीन पर जारी रिसर्च अभी कुछ और वक्त लेगा, फिर उसका जानवरों पर ट्रायल किया जाएगा। आखिर में इंसानों पर इसका असर देखा जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाएगा। अभी रिसर्च में ही 6 महीने का वक्त लगने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां इस वक्त हर देश कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने में एकजुट है, भारत भी अब पीछे नहीं है। ICMR और भारत बायोटेक मिलकर ये वैक्सीन यहां बनाएंगे। एल और एस वायरल आइसोलेट को ट्रांसफर कर दिया गया है भारत बायोटेक की फैसिलिटी में। हालांकि इस कंपनी का कहना है कि कम से कम 300 मिलियन ऐसी वैक्सीन की डोज बनाने में ये कार्यरत है और इसे मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भारत में बनाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ICMR और BBIL का ये रिसर्च पूरी तरह स्वदेशी है। किसी दूसरे देश की मदद नहीं ली जा रही है। यानी कि सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री की चाहत पूरी हो सकती है। मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाए। यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना के दो रूप एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन पर रिसर्च तेज कर दिया है। एल स्ट्रेन बेहद खतरनाक बताया जाता है। एल स्ट्रेन वायरस के पीड़ितों की रिकवरी का अनुपात काफी कम है, वहीं एस स्ट्रेन में रिकवरी की गुंजाइश ज्यादा है। एल स्ट्रेन किडनी, कैंसर और हार्ट जैसे गंभीर मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक है। एल स्ट्रेन उतना घातक नहीं है। एल स्ट्रेन के पीड़ित कुछ मरीज 30 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे, तब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि एस टाइप वाले मरीज जल्द ठीक होते हैं। माना जा रहा है कि कोरोना के एपिसेंटर बन चुके अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहरों में एल स्ट्रेन का प्रभाव है, जबकि केरल के शहरों में एस स्ट्रेन। इसी वजह से केरल में कोरोना के हालात काबू में है।
भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना के इस चैलेंज को कबूला है और मात देने की तैयारी में जुट गए हैं। उम्मीद है रिसर्च का काम जल्द पूरा होगा और फिर ट्रायल शुरू किया जाएगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ लड़ाई चारों तरफ से लड़ी जा रही है। एलोपैथी से इस महामारी की दवा पर लगातार रिसर्च हो रहा है तो आयुर्वेद में भी इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। चार औषधियों का ट्रायल भी शुरू हो गया है। एक ओर देश के वैज्ञानिक वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे हैं तो दूसरी ओर आयुर्वेद के असर से भी कोरोना को बेअसर करने की तैयारी है। वायरस की ताकत का अब तक सही अंदाजा नहीं लग पाया है। ऐसे में आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल रोग निरोधक साबित हो सकता है। इन्हीं संभावनाओं को तलाशने में जुट गया है ICMR, CSIR और आयुष मंत्रालय। आयुर्वेद कोरोना के खिलाफ कितना कारगर है इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इन चारों औषधियों का ट्रायल स्वास्थ्य कर्मियों और उन लोगों पर किया जा रहा है जो हाई रिस्क जोन में है। हम भारत में जिस प्रकार से अभी आयुष की भी कुछ जो दवाइयां हैं उनके बारे में हम लोगों ने पहली बार भारत के इतिहास में क्लिनिकल ट्रायल्स को शुरू करने की प्रोफाइलेक्सिस की दृष्टि से भी और ट्रीटमेंट की दृष्टि से भी जो एक पहल की है यह भी आने वाले समय में ऐतिहासिक हो सकती है। आयुर्वेद की चार औषधियों पर भरोसा जताया जा रहा है जो इम्यूनिटी में इजाफा कर सकती है। उन औषधियों में अश्वगंधा, मुलेठी, गिलोय और आयुष 64 शामिल है। इन चार औषधियों को ट्रायल में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे पूरा होने में 2 से 4 महीने लग सकते हैं। आयुष के चार फॉर्मुलेशन है, एक अश्वगंधा से होता है, एक यष्टि मधु से होता है, एक गुडुची पिपली से होता है और एक आयुष 64 नाम का उनका अपना फॉर्मुलेशन है। आयुष, CSIR और ICMR तीनों एजेंसीज एक साथ आकर ये आधुनिक विज्ञान की ओर से हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करने जा रहे हैं। आयुर्वेद में इन चार औषधियों का बड़ा महत्व है। अश्वगंधा जोड़ों के दर्द और कमजोरी दूर करने में रामबाण है। गिलोय इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। वायर बैक्टीरिया से होने वाले हर तरह के बुखार में कारगर है। कफ को दूर कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। मुलेठी गले में खराश और कफ में आराम देती है। एसिडिटी को दूर करती है, पेट के अल्सर को ठीक करती है, सांस की बीमारियों में आराम देती है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है और मलेरिया के खिलाफ काम करने वाली आयुष 64 ये क्लोरोक्वीन का सबसे बेहतर विकल्प मानी जाती है। बिना किसी साइड इफेक्ट के मलेरिया का इलाज करती है। ये जो चार योग फाइनल किए हैं, हमारी जो टीम बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, बहुत अच्छे योग हैं। विशेष करके जैसे आप आयुष 64 की बात करते हैं तो ये हमारा तकरीबन 30 वर्षों से इस औषधि को ट्रायल के साथ मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया था और सारा वैद्य समाज सब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मलेरिया के लिए, मलेरिया के वायरस के लिए और इससे बहुत फायदा हुआ है। इस समय कोरोना मरीजों में अलग अलग लक्षण, उनकी गंभीरता के हिसाब से अलग अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर प्रयोग हो रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक औषधियों पर होने वाला ट्रायल भी एक नई दिशा दिखा सकता है। आयुर्वेदिक औषधियों का असर पहले से ही चौंकाने वाला रहा है। हिंदुस्तान के लिए ये नया नहीं है। उम्मीद है कोरोना का प्रकोप भी इसके आगे बेदम होगा। दिल्ली से मिलन शर्मा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया के कई देश कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगातार जुटे हैं। हालांकि अब तक किसी भी देश को कामयाबी नहीं मिल पाई है, लेकिन अलग अलग देशों के वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि वो इस मर्ज का इलाज ढूंढने के काफी करीब हैं। अमेरिका, भारत, चीन, ब्रिटेन, इजराइल, इटली, ये वो कुछ गिने चुने देश हैं जो कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में कोरोना का पहला मामला चीन में सामने आया था। तब से अब तक कोरोना ने 41 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर दिया है तो 2,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले अमेरिका में मौत का आंकड़ा 80,000 के पार जा चुका है। मेडिकल रिसर्च में नाम कमाने वाला अमेरिका मौत के आंकड़े देखकर परेशान है, लिहाजा वहां इस महामारी पर तेजी से शोध चल रहा है। अमेरिका की फार्मा कंपनी गिलीड साइंसेज ने रेमडेसिविर दवा को लेकर कई ट्रायल किए, उनके नतीजों से उम्मीद भी जगी।
रेमडेसिविर नामक दवा को सार्स, मर्स और इबोला जैसे वायरस को रोकने में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। कोरोना के खिलाफ ट्रायल में मरीजों पर बेहतर असर दिखा है। अमेरिका रेमडेसिविर को बेहद कारगर बता रहा है। जापान ने भी इसके इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। भारत में भी इस पर विचार किया जाने लगा है। इसको बनाने वाली जो अमेरिका की कंपनी गिलियड है, उसके साथ भी भारत सरकार उच्च स्तर पर बातचीत कर रही है। उसकी भी बातचीत दवा की कुछ कंपनियों के साथ भी हो रही है। भारत सरकार का फार्मास्यूटिकल्स मंत्रालय और हमारा अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में CSIR, वो सब इसके अंदर गंभीरता से लगे हैं। दुनिया के कई देश लगातार रिसर्च कर रहे हैं। कई कंपनियां और इंस्टीट्यूट कोरोना का वैक्सीन बनाने की रेस में हैं। इजराइल भी दावा कर चुका है कि उसने कोरोना को मात देने वाले वैक्सीन की खोज कर ली है। कुछ दिन पहले ही इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनके देश में वैज्ञानिकों ने एंटीबॉडी विकसित करने में अहम कामयाबी पाई है। उनके मुताबिक रिसर्च को पेटेंट करने की भी तैयारी है, तब कमर्शियल प्रोडक्शन होगा। दावा तो इटली भी कर चुका है। बताया जा रहा है कि इटली में कोरोना का पहला वैक्सीन तैयार कर लिया गया है। इस वैक्सीन को रोम में एक हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है। दावा है कि टेस्टिंग काफी आगे के स्टेज पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे इंसानों के सेल्स पर भी टेस्ट किया जा चुका है। सबसे पहले दावा किया ब्रिटेन ने। वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो चुका है। रिसर्च में जुटे वैज्ञानिकों को इस प्रोजेक्ट पर भरोसा काफी ज्यादा है। तभी तो दुनिया में 7 जगहों पर इसका प्रोडक्शन भी शुरू किया गया है, ताकि कामयाबी मिलते ही वैक्सीन को इलाज में इस्तेमाल किया जा सके। आज तक के रूप में